है गौ माता, अक्षरा सिंह जीतेगी ना? हाँ हाँ जीतेगी। ओटीटी में जब वोटिंग की बात आती है तो सबसे नंबर वन पे बिहारी ही रहते हैं, चाहे वो खेसारी भैया हो, चाहे वो मनोज भैया हो, चाहे वो संभावना सेठ जी हो, और अभी के टाइम में अक्षरा सिंह जी हो। सो हे गाइस, आज है अक्षरा सिंह जी का बर्थडे और आपके लिए अक्षरा सिंह जी, आप बिग बॉस में हैं, तो आपके लिए हम लोगों की तरफ से है आज का गिफ्ट ये कि आपके लिए पूरा वोट मांग रहे हैं हम लोग और आपके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। तो हैप्पी बर्थडे टू यू अक्षरा सिंह जी, आप बिग बॉस में जीत के आइए और अच्छे से फाइट कीजिए और बाकी हम लोगों का प्यार सपोर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छे से है। सो हेलो गाइज, वेलकम माई न्यू ब्लॉग, और आज का ब्लॉग है फिर से अक्षरा सिंह जी पे। तो गाइज, आज का ब्लॉग अक्षरा सिंह जी पे, जो कि बिग बॉस में वो बहुत ज्यादा फाइट कर रही हैं। हालांकि चार लोग नॉमिनेटेड हैं, तो चार लोग में कोई ना कोई आज संडे के दिन निकाला जाएगा बिग बॉस के अंदर से। तो वोटिंग चालू है, आप लोग वोट कर सकते हैं अपने अपने फेवरेट इंसान को, आदमी को जो बिग बॉस में। हम तो खैर अक्षरा सिंह को कर रहे हैं और पूरा यूपी, बिहार, झारखंड सब अक्षरा सिंह को कर रहा है। यही वजह है कि अक्षरा जी नंबर वन पे हैं। तो फिर से चलते हैं आज और मुआयना करते हैं पटना में, तो उनका वोटिंग का क्या स्थिति है, आप लोग बने रहिए, उनके प्रति लोगों का क्या रुझान है। तो अक्षरा सिंह जी, शेरिनी जी, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मैं अब टाउन के पास शहर में आ चुका हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। दिखाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो अक्षरा सिंह जी के पास पहुँचती है तो बिहार की शेरनी हम सब की दहाड़ती है, जैसे आप फाड़ रहे हो ना, सबको फाड़ डालो, छोड़ो मत। तो सर जी, आपने अक्षरा जी को चाय पिलाया हुआ है, तो ये बताइए बिग बॉस में वो नॉमिनेट हुई, आप उनको फुल सपोर्ट करते हैं? फुल सपोर्ट है। इसमें देख के बोलिए चाय की तरह। अरे वाह, थैंक यू। मतलब भाई लोग जितना सोचे थे ना, उससे कई गुना ज्यादा उम्मीद से उमड़ करके लोग उनको वोट कर रहे हैं और कल की तरह आज भी एक नंबर पे बैठा के रखे। ये देखिए, हम लोग जितने लोग है सबको उनके सपोर्ट में, क्या भाई लोग है ना, हम लोग अक्षरा सिंह को पूरा फुल वोट दे रहे हैं ना, है ना। देख लीजिए जितना लोग भी यहाँ पे, सब कोई साथ में, और अभी हम सब साथ जाएंगे और हर जगह मुआयना करेंगे। जितने लोग हैं ये अभी सब साथ में जाएंगे, देखिए आप लोग। ये देखिए, अभी एक भैया इनसे पूछते, भैया आप अक्षरा सिंह जी को जानते हैं? जानते। कैसा लगती हैं आपको लगती? वो बिग बॉस में गई हैं, वोटिंग चल रहा है, क्या आप उनको वोट करते हैं? पूरा फुल सपोर्ट करते हैं? हाँ। अरे वाह, क्या बात है भैया, बिहार का मान सम्मान बढ़ा रही हैं, तो आपका इसमें क्या राय है, जीत के आए? हाँ, ओ चलिए, थैंक यू। अभी हम पटना के गांधी मैदान के पास पहुँचे हैं, हालांकि यहाँ पे मुझे दो व्यक्ति मिल चुके हैं, इनसे पूछते हैं कि उनका क्या राय है। हेलो सर, नमस्कार, आप लोग अक्षरा सिंह को जानते हैं? हेलो, अक्षरा सिंह जी को जानते हैं आप लोग? जानते हैं। सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं वो नाम रोशन करके। बिग बॉस आप देखते हैं? कभी कभी देख लेते हैं। आपको जब भी देखते हैं अक्षरा सिंह जी को देखते हैं? हाँ। वाह क्या बात है। तो भाई लोग, आप लोग जैसे देख रहे हैं कि ठेला वाला से लेके खैनी वाला, खैनी वाला से लेके ऑटो रिक्शा वाला, से लेके बच्चा से लेके बूढ़ा जवान तक, सब लोग अक्षरा सिंह को सपोर्ट कर रहा है ताकि वो बिग बॉस में बनी रहे। अभी के टाइम में एक भाई साहब आ रहे हैं आगे से, उनसे पूछते हैं क्या रिएक्शन उनका अक्षरा जी के बारे में। अक्षरा सिंह को आप जानते हैं? हाँ जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। तो वो बिग बॉस में गई हैं, नॉमिनेट हो चुकी हैं। हाँ। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि गर्व है उनपे, मतलब अपने बिहार का नाम रोशन कर रही हैं, बिहार की शेरनी है। हाँ। दहाड़ रही है, चीख पा रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब बिग बॉस को हिला चुकी है। उम्मीद है कि आएंगे तो जीत कर ही आएंगे। तो हम लोग पूरा वोट करके उनको नंबर एक पे रख रहे हैं। हाँ। आप लोग सब कोई वोट कर रहे हैं ना? हाँ, कर रहे हैं। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं एक स्टूडियो में आया हूँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे पूछते हैं उन लोगों का क्या रिएक्शन है। हाय सर जी, प्रदीप जी, अक्षरा सिंह जी गई है बिग बॉस में, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, वो हमारे बिहार की एक होनहार एक्ट्रेस हैं और इतना सारा मूवी की है, तो हम लोग की तरफ से यही है कि जीते और बिहार के, यूपी बिहार का नाम रोशन करें। उनको भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के पीठ पीछे मजाक उड़ाया जाता है, तो हमारे भोजपुरी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े बढ़िया डिजिटल है, तो आपकी तरफ से क्या सपोर्ट है उनको? सपोर्ट क्या है, हम लोग तो यही सपोर्ट करेंगे कि वो हमारे बिहार के मतलब अच्छे एक्ट्रेस है, हम तो उनको अच्छे से जानते हैं, मेरे साथ उनका रिलेशन जो भी है अच्छा है, हम अच्छा उनको देखे हैं पर्दे पे, अच्छा पूरा सपोर्ट है आपके तरफ। मेरे तरफ देखते हैं आप? देखते तो उतना नहीं है क्योंकि काम से फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं हम। जब भी देखते हैं अक्षरा जी को, अक्षरा जी को ही देखते हैं और फुल सपोर्ट है हम लोगों का। ओ वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू। अच्छा एक चीज और पूछना चाहेंगे, वो रैंकिंग नंबर वन पे अभी चल रही है, नॉमिनेट चार आदमी हुआ है, तीन लोगों का नाम नहीं लेंगे बस हम लोग, क्योंकि बिहार के है, भोजपुरी इंडस्ट्री से है, तो अक्षरा जी का ही नाम लेंगे। तो आप उनको क्या चाहते हैं कि वो बनी रहे और जीत करके आए? अरे एकदम काहे नहीं, इसमें तो हम दिल से सपोर्ट करते हैं, और जिस चीज से हो उस चीज से सपोर्ट करेंगे कि वो एक नंबर स्थान आए और बिहार और यूपी का नाम रोशन करें। चलिए थैंक यू, थैंक यू।
ये स्टूडियो है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है अभी, पता नहीं लोग कहाँ हैं, देखते हैं उनसे कहाँ है, सब बंद पड़ा हुआ है, लोग कहाँ हैं देखते हैं। इस स्टूडियो में आए तो एक बहुत ही अच्छे होनहार और एक बहुत समझदार सुलझे हुए व्यक्ति मिल गए हैं, उनसे पूछते हैं कि अक्षरा जी के बारे में उनका क्या राय है। चाचा नमस्कार, आप एक बात बताइए कि अक्षरा सिंह जी को आप जानते हैं? जानते हैं, तो वो बिग बॉस में गई है भोजपुरी इंडस्ट्री से, तो आप बिग बॉस देखते हैं? कभी कभी तो देखते हैं। देखते हैं, और देखते हैं तो किन के चलते देखते हैं? जो अच्छे अच्छे कलाकार रहते हैं, जैसे अभी अक्षरा जी गए हैं। अच्छा, अक्षरा जी के चलते आप देखते हैं? अरे वाह, क्या बात है। तो ये हमको बताइए कि अक्षरा जी अभी नॉमिनेट हुई हैं, तो आपके तरफ से उनका क्या सपोर्ट है, वोट है उनके लिए आपके तरफ से? है, बिहार में वो काम कर रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो जरूर उनका सपोर्ट हम लोग का रहेगा। अच्छा अच्छा, आप चाहते हैं कि वो जीत करके आए? एकदम एकदम, जरूर से जरूर हम चाहेंगे जीत के आए। ओ चलिए, क्योंकि जीत के आएंगे तो हम सबके लिए गर्व की बात होगी। गर्व की बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, उस स्टूडियो में तो जितना लोग थे उनसे पूछ लिया, अब यहाँ भी एक स्टूडियो है। क्या स्टूडियो है? राज डिजिटल स्टूडियो, दिखाते हैं। एक ये स्टूडियो है, इसमें जाते हैं देखते हैं क्या है। बेटे यहाँ कोई नहीं है, ये राज डिजिटल स्टूडियो, ये स्टूडियो यहाँ पे देखते हैं कोई है कि नहीं। हाय भैया, कैसे हैं? ठीक है। आप भी बॉस पहले देखते हैं? देखिए बिग बॉस तो मैं न्यू एपिसोड लोड होता है बस मैं फटाक से देखता हूँ। तो अक्षरा जी को प्रताड़ित किया जा रहा है उस घर में, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिसके कारण वो नॉमिनेट हुई हैं, लेकिन वो फिर भी अकेला फाइट कर रही हैं। तो आपका क्या कहना है उस पे, क्या उनको सपोर्ट आप करते हैं? एक बिहारी सौ पे भारी, यहाँ तो 10 है सिर्फ। अरे वाह, उस बीच में समझिए कितना गुना वो आगे हैं, आगे हैं। एकदम बिल्कुल सही है, और शेरनी की तरह वो दहाड़ती हैं। पूरा यूपी बिहार झारखंड का पूरा भी लोग का उनका सपोर्ट है। वोटिंग में तो किसी का पावर नहीं है कि वो बिहारियों को पछाड़ सके, वोटिंग में तो नंबर वन पर रहेगी अक्षरा सिंह। बाकी बात जो सोच है, वो सोच के प्रति कहीं हरा सकती बात अलग है, लेकिन शेरनी है बिहार की, जरूर जीत के आएगी। अरे वाह, क्या बात है। चलिए थैंक यू। सो हे गाइज, आप लोगों ने आज देख लिया कि अक्षरा सिंह जी के सपोर्ट में बिहारी कितने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और जिनसे भी जाके पूछिए, जिनसे भी जाकर के बातें कीजिए। हालांकि मैं तो पूरा जितना टीम मिल गया उनके साथ हम बाहर जाके वोट मांगे, आप लोग देखे ही होंगे, मैं छोटा छोटा क्लिप काटा हूँ, तक मैं ज़्यादा नहीं, इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, क्योंकि छोटा छोटा क्लिप से आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या रिस्पॉन्स है। अभी एक स्टूडियो में है, राज डिजिटल स्टूडियो में। तो हे गाइज, आप लोग भी अक्षरा सिंह जी को और भोजपुरी के जितने चाहने वाले बिहारी जितने भी हैं, यूपी बिहार झारखंड के जितने भी चाहने वाले हैं, वहाँ पे उनको टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए वो नॉमिनेट होकर के फिर भी वोटिंग में नंबर वन पे चल रही हैं ओटीटी में। तो आप लोग भी, ये बिग बॉस ने खुद अनाउंसमेंट किया है कि अक्षरा सिंह जी जो चार लोग नॉमिनेट हुए हैं उसमें से वो नंबर वन पे चल रही हैं। तो हम लोगों को करना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसे ही वोटिंग करना है। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है ना कि ज़्यादातर किसी को ये पता होता नहीं है कि वोटिंग करना कैसे। अगर ये पता होता तो मैं कसम से बता रहा हूँ और यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि वोटिंग में बिहार से जो भी जाता, चाहे वो खेसारी भैया थे या अक्षरा सिंह जी अभी हैं, इनको कभी कोई नहीं हरा सकता था। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे हैं, जैसे आपको, आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि कोई भैया खैनी बेच रहे हैं, कोई रिक्शा वाले ठेला, उन लोगों, वो लोग जानते हैं, नस नस में अक्षरा सिंह जी बसी हुई हैं बिहार में और झारखंड में, यूपी में, ठीक है, लेकिन उन लोगों को वोटिंग करने नहीं आता। अगर वोटिंग करने आता ना, तो कसम से बता रहे हैं भैया ओटीटी में हमेशा नंबर वन पे आती अक्षरा सिंह। इस बिग बॉस के न्यू एपिसोड में आप लोग हमेशा देखना चाहते हैं अक्षरा सिंह जी को, तो प्लीज यार उनको आप लोग सपोर्ट करो, वोट करो, खुल के वोट करो यार, क्योंकि वहां पे बात बिहारियों की आ गई है, बात वहां पे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की आ चुकी है। तो प्लीज यार आप लोग वोट करो, खुल के वोट करो, और जितना सपोर्ट हो सकता है आप एक दूसरे से फैलाओ, इसमें करना कुछ नहीं। आप लोग जो देखते हैं बिग बॉस उसको आप लोग देखिए और वोटिंग कीजिए, क्योंकि सिर्फ चाहने से नहीं होता है, सिर्फ वोट करने भी चाहिए, वोट करने से ही जो होगा सो होगा। तो भाई लोग, ये एक मेरे भाई जुड़ चुके हैं जो अब, अच्छा ये बताइए कि अक्षरा सिंह जी बिग बॉस में गई हैं, आप उनको क्या देखते हैं, क्या सपोर्ट क्या करते हैं उनको? फुल सपोर्ट है। आप चाहते हैं वो जीत करके आए? एकदम जीत कर आए। अच्छा एक चीज है, वहाँ पे बिग बॉस में सब लोग भी, जब बिहारी कोई भी जाता है तो उसको वो लोग किसी और नजरिए से देखते हैं, जिसके लेकर के अक्षरा सिंह जी बहुत जम करके फाइट कर रही है।
भाई देखिए क्या होता है कि बिहार के लोग बहुत होनहार होते हैं, ठीक है। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि बिहारी पावर दिखाइए? हाँ, बिहारी पावर दिखाइए, हिला दीजिए, हिला दीजिए। अक्षरा सिंह जो अक्षरा सिंह जी को वोट देकर के एकदम मतलब वोटिंग का ऐसा बूथ हिला दीजिए ना भाई। बिहार के सवाल बा, बिहार के सवाल है एकदम। तो यार वोटिंग करके उस लेवल पे पहुंचा दो ना। ग्रुप ग्रुप में सब मैसेज करते हैं, वाह क्या बात है। देखिए ऑनलाइन अभी हो रहा है, ऑनलाइन अभी हो रहा है वो चीज, अभी करिए। तो प्लीज यार आप लोग भी वोट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। लड़की होकर के वो सबको फाड़ के रख दी है, हिला के रख दी है, तो प्लीज यार हम लोग तो वोट कर ही सकते हैं, क्योंकि वो जब बातें आ रही है बिहार की भोजपुरी, क्योंकि पीठ पीछे आप हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के बारे में बाहर में लोग क्या बातें करते हैं, तो हम लोगों को इस चीज को बदलना होगा। और ये इससे थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि उनको वोटिंग के जरिए उनको ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे ना, तो इससे उन लोगों को पता चलेगा कि नहीं बिहारियों का क्या पावर है, कि बिग बॉस में बिहारियों का क्या पावर है, भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या पावर है। और OTT में जब वोटिंग की बात आती है तो सबसे नंबर वन पे बिहारी ही रहते हैं, चाहे वो खेसारी भैया हो, चाहे वो मनोज भैया हो, चाहे वो संभावना सेठ जी हो, और अभी के टाइम में अक्षरा सिंह जी हो। तो प्लीज यार वोट करो। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और फॉलो करो। जय बाबा की। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।